अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर शिकरत मुश्ताक। आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम यू मेडिकल कॉलेज एबटाबाद। देन आई हैव कंप्लीटेड माय ट्रेनिंग इन मेडिसिन एंड लाइट फ्रॉम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल बैक इन 2017। आई हैड अ स्पेशल इंटरेस्ट इन डर्मेटोलॉजी। देन आई कंटिन्यूड माय ट्रेनिंग इन डर्मेटोलॉजी फ्रॉम पार्क एमिरेट्स मिलिट्री हॉस्पिटल एंड कंप्लीटेड माय एफसीपीएस इन डर्मेटोलॉजी। I deal with all the skin related issues and problems like acne, psoriasis, eczema and various other skin diseases also. I will be available in this clinic, Laminate Anesthetic Clinic, F6 Islamabad. My timing is 11 to 4 PM. आज मैं आपको psoriasis के बारे में बताऊंगी कि ये बीमारी क्या है, कैसे होती है, क्या इसकी ट्रीटमेंट है, क्या इसकी टियोलॉजी है। ये बीमारी दुनिया भर में 125 मिलियन अफराद को है। ज़्यादातर यूरोप में, एशिया में भी ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही है। ये बीमारी मेल फीमेल में इक्वल इसका इंसिडेंस है, बड़ों में होती है, बच्चों में भी होती है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे मेन फैक्टर जो है इसका जेनेटिक फैक्टर है, ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें जीन्स में ही हमारी बीमारी ये आ जाती है। तो ये अगर एक पेरेंट को हो तो उसमें ये चांस होता है तकरीबन 28% बच्चे में ट्रांसफर हो जाती है बीमारी। दो पेरेंट्स को तो 65% होती है, और अगर किसी पेरेंट को भी ना हो फिर भी 4% चांस होता है बीमारी को होने का। दूसरा फैक्टर ये है इसके बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि ट्रामा, चोट लग गई उससे बीमारी हो जाती है, इन्फेक्शन, गला ख़राब हो गया उससे बीमारी हो जाती है, शुवाओं की वजह से हो जाती है, स्मोकिंग की वजह से हो जाती है, जहनी तनाव से बीमारी ये बढ़ जाती है, कुछ अदवियात हैं उससे बीमारी बढ़ जाती है। तो इसके कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं और कुछ इसके जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो इसकी इटियोलॉजी में मेन इम्प्लिकेटिंग है। नेक्स्ट जो है इसके कुछ क्लिनिकल फॉर्म्स हैं। एक होते हैं प्लाक सोराइसिस, जिसमें बड़े बड़े सुर्ख रंग के निशान होते हैं, जिसमें सफ़ेद छिलका होता है, जिसको मरीज को हल्की फुल्की खारिश होती है, उसको खरीचता है तो नीचे खून भी निकल जाता है। और ये कहाँ पे होते हैं, ये हमारे एक्सटेंसिव सर्फेसिस ऑफ द बॉडी पे होते हैं, लाइक घुटनों पे होंगे, कोहनियों पे होंगे, कूल्हे पे होंगे, स्कैल्प पे आ जाती है बीमारी। साथ साथ ये बीमारी हमारे नाखूनों में भी तब्दीली लाती है, साथ में जोड़ों तक भी ये बीमारी इन्वॉल्व कर सकती है। इसके अलावा इसकी कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स, इसमें एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस है, जिसमें सर से पांव तो सुर्खी आ जाती है, उसमें अस्पताल में दाखिले की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि उसमें थोड़ी सी मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट भी शुरू हो जाती है जिस्म के अंदर। इसके अलावा इसकी गटेट सोराइसिस एक फॉर्म है, जिसमें छोटे छोटे निशान इसी तरह के बनते हैं लेकिन साथ गला खराब होता है मरीज का, और ये सेल्फ लिमिटिंग है, जल्दी ठीक हो जाती है। फिर एक और इसकी फॉर्म है जिसमें पस्टुलर सोराइसिस जिसको बोलते हैं, इसमें पीप वाले निशान बनते हैं जिस्म पे, तो ये भी इसकी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। और कुछ इसकी स्पेसिफिक साइट्स रिलेटेड है, लाइक सिर्फ स्कैल्प ही होगी मरीज को, सिर्फ फ्लेक्चर्स पे होगी, बॉडी फोल्ड्स में होगी, लाइक बगलों में होगी, टांगों के दरमियान होगी, और कुछ इसके सिर्फ नाखूनों में होगी, इसको को नेल सोराइसिस बोलते हैं। म्यूकोजल होती है, ऑकुलर होती है, आंखों में सिर्फ होती है, फॉलिकुलर होती है, कोई हेयर फॉलिकल के इर्द गिर्द होगी सिर्फ बीमारी। तो ये इसके कोई स्पेसिफिक साइट रिलेटेड मैंने बता दी, कुछ मैंने इसको क्लिनिकल फॉर्म्स भी बता दी। अब इसके कौन सी मेडिसिन ड्रग इंड्यूस सोराइसिस कौन सी होती है, उसमें ये होती है कि अक्सर जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, मलेरिया के लिए कुछ अद्वियात हैं वो ले रहे होते हैं, बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर्स वगैरह, उससे भी सोराइसिस ट्रिगर करती है, अल्कोहल से ट्रिगर करती है। तो ये कुछ इंडिकेटिव फैक्टर्स हैं जिससे हमें स्टॉप करना है। अब हम आगे चलते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकते हैं कि एक तो ये खुद ही इम्यून रिलेटेड डिजीज़ है, तो इसके साथ और भी इम्यून रिलेटेड डिजीज़ की एसोसिएशन होती है, के साथ टाइप 1 डायबिटीज़ का लिंक होता है, इसके साथ विटिलाइगो का होता है, इसके साथ थायराइड डिजीज़ का भी होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओवरऑल इसके साथ लिंक्ड होता है। इसके अलावा जाहिर है इसमें कुव्वत मुदाफ़त कम होती है तो इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। इस बीमारी का बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है पेशेंट पे, क्योंकि वो पेशेंट, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज़ है, आती जाती रहती है मरीज़ को, तो वो फिर बड़ा परेशान होता है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी भी मुतासर होती है, इज़्दवाजी ज़िंदगी भी मुतासर होती है, क्योंकि हस्बैंड ने उसकी बीमारी समझ नहीं सकता, वो भी इज़्दवाजी जिंदगी भी, ज़ाती जिंदगी भी, और बाहर मेल जोल में भी, शादी भी अभी इस वजह से वो अटेंड ही नहीं कर सकते। और इस बीमारी के साथ दिल के मसले भी शुरू हो सकते हैं, दिल का दौरा पड़ सकता है, फालिज का अटैक इसके साथ एसोसिएटेड है, और लेटर ऑन जिगर की बीमारियां भी हो सकती हैं इसके साथ। तो हमने क्या करना है कि घर में हम इसकी क्या होम केयर कर सकते हैं, पेशेंट को जैसे बीमारी का पता चले, जब ये छिलके वाले सुर्ख रंग के निशान बनना शुरू हो जाएं, तो पहले तो वो माहिर अमराज जिल्द के पास जाए तशखीस के लिए। तो ये होता है डॉक्टर जो है क्लिनिकल डायग्नोस कर लेते हैं। हाँ, कहीं पे कहीं कंफ्यूजन हो या हमारे दो तीन डिफरेंशियल डायग्नोसिस बीच में आ रहे हैं, तो हम स्किन बायोप्सी की तरफ जाते हैं, जिल्द का एक टुकड़ा लेते हैं, उसको टेस्ट करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो पता चल जाता है ये बीमारी सोराइसिस है या नहीं। सेकेंडली, होम केयर में ये मैं कहूँगी कि मरीज को कि अपनी स्किन को वार्म बाथ ले, उसके बाद फिर उसको मॉइस्चराइज करें, इमोलियंट लगाएं। इसकी ट्रीटमेंट मोडलिटीज़ डिफरेंट हैं,
टॉपिकल हैं, कुछ ओरल मेडिसिन भी हैं और कुछ महंगे टीके भी हैं। तो टॉपिकल में बहुत सारी आजकल बाजार में अवेलेबल चीज़ें हैं, जिस तरह कोल्टा, ट्राइथ्रोनोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कैल्सिनोरेन इनहिबिटर, विटामिन डी एनालॉग्स, और मॉइस्चराइज करें, इमोलियंट्स लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और क्योंकि जितनी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा तो उसमें इन्फेक्शन और बाकी चीज़ों की भी कमी होगी। दूसरा ये फिर ओरल मेडिसिन की तरफ तब आते हैं जब हम इसका स्कोर चेक करते हैं, पेशेंट का एक पासी स्कोर होता है, वो हम चेक करते हैं। वो अगर ज़्यादा है, बीमारी ज़्यादा बढ़ी हुई है, लाइक एरिथ्रोडर्मा के नेल इन्वॉल्व हो रहे हैं, जॉइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फिर हम ओरल मेडिसिन की तरफ आते हैं। फिर ओरल मेडिसिन के अलावा हमारे पास आजकल दुनिया भर में नई अद्वियात आई हैं, नए टीके आए हैं जिनको बायोलॉजिक्स कहते हैं, उसका भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है इस बीमारी में, वो जल्दी बीमारी कंट्रोल हो जाती है। हर एक मेडिसिन का एक अलग प्रोटोकॉल है, कुछ हफ्तावार दे के फिर महीनावार पे आ जाती हैं दवाइयाँ, तो उससे एक बीमारी कंट्रोल हो जाती है। लेकिन मैं बताती चलूँ कि ये बीमारी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो सकती, इस बीमारी का कम्प्लीट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ये नहीं है कि बिल्कुल अगर एक गोली खाई तो बस बीमारी चलेगी, ऐसे नहीं है। इस बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं लगाने वाली, खाने वाली अद्वियात से, और मरीज को वो ट्रिगर फैक्टर्स हमने पहले से बता दिए हैं कि ये चोट लगने से बचाना है, स्मोकिंग नहीं करनी, स्ट्रेस नहीं लेना, अल्कोहल कंजप्शन नहीं करनी, इन्फेक्शन से बचाना है, और ऐसी अद्वियात नहीं लेनी जिससे बीमारी बढ़ सकती है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्लड प्रेशर की अद्वियात, एंटी मलेरियल और एएस बीटा ब्लॉकर, सारी मेडिसिन इसको ट्रिगर करती है। इस बीमारी की कोर ट्रीटमेंट मॉडलिटी है फोटोथेरेपी, यूवीबी, नैरोबैंड यूवीबी, पूवा और एग्जामर लेजर वगैरह। तो ये भी इसकी वेराइटी को देख के मॉडरेट टू सिवियर में हम सोराइसिस में फोटोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। तो कंटिन्यूइंग माय ट्रीटमेंट टुवर्ड ट्रीटमेंट ऑफ सोराइसिस, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी सबसे पहले हमने कैसे ट्रीट करना है, जनरल मेजर्स लेने हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को स्टॉप करने हैं, वेट रिडक्शन करनी है क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ बहुत एसोसिएशन है, तो अपने वेट को कंट्रोल करना है, और सारे ये जो जितने भी मैंने एनवायरमेंटल फैक्टर्स बताए इनको कंट्रोल करना है, स्मोकिंग को कंट्रोल करना है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, ट्रॉमा नहीं होने देना, और इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है। देन कमिंग टुवर्ड द टॉपिकल एंड देन ओरल एंड देन बायोलॉजिक्स एंड फोटोथेरेपी, दीज आर ऑल द ट्रीटमेंट मोडालिटीज। और सबसे ज्यादा इसमें पेशेंट की काउंसलिंग बहुत जरूरी है क्योंकि पेशेंट्स में बहुत स्ट्रेस आउट हुआ होता है कि बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही, उसको हमें इस बीमारी की तह तक उसको समझाने की जरूरत होती है कि बीमारी कैसे शुरू हुई होती है, कैसे खत्म होती है, कैसे इसके इतने इम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि मरीज अगर खुद नहीं कोशिश करेगा तो डॉक्टर्स की मेडिसिन से ये बीमारी कंट्रोल नहीं हो सकती। अभी तो ये छोटा सा सेशन था जिसमें मैंने आपको बताया सोराइसिस की एटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर्स और कौन से इसके इम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स हैं, कैसे इसकी ट्रीटमेंट है और कैसे इसकी आप होम केयर कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं वक्त के साथ साथ आपको और वीडियोस भी बनाऊंगी जिसमें आपको इस बीमारी के बारे में और भी डिटेल मालूमात के साथ बीमारी के बारे में आपको इसका इलाज बताऊंगी। तो देखते रहे लेमनेट एनेस्थेटिक क्लिनिक।